बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ड्रग इंस्पेक्टर की नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है 19 पदों पर। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या एज होगी, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ अब अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञापन जारी होगा 16th of September यानी कि कल ऑफिशियली UKPSC की वेबसाइट पर भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, जो लास्ट डेट है 6th of October 2023 है। चलिए बात करते हैं टोटल पदों की संख्या। तो 19 इसमें रहने वाली है, यानी कि आप देख सकते हैं साफ साफ आयोग ने कहा है कि 19 पदों जो कि आप देख सकते हैं औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 समूह गौ की ये भर्ती होने वाली है 19 पदों के लिए। जी हाँ, 19 पदों के लिए ये भर्ती रहने वाली है। चलिए अगर हम इसमें बात करें क्वालिफिकेशंस को लेकर, तो अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात दवाओं से रिलेटेड है यानी कि हेल्थ सेक्टर से है, तो उसी तरह की यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस, उसके अलावा मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिक फार्मोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और इक्वावेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। स्पेशली फार्मेसी में आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। बाकी अगर और इसमें आप देख सकते हैं डिग्री है तो आपके पास एलिजिबिलिटी रख सकते हैं। बाकी अदर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन इसमें जो है ऐड की हुई हैं, आप जो प्रीफर क्वालिफिकेशन है अदर थिंग्स लाइक हु है सब ट्रेटर ये वो सब है, ठीक है। लेकिन जो मेनली क्वालिफिकेशन की बात करें तो फार्मेसी में आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए और जो एज है आपकी 21 से लेकर 40 ईयर्स के बीच में होगी। बाकी एज में जो है रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पर जो है आपको दिया जाएगा। बात करते हैं सिलेबस की, तो दो पेपर इसमें होते हैं, एक फार्मेसी यानी कि जो मेनली आपका पहला होता है पेपर जो सबसे मेन और महत्वपूर्ण है, वो 200 नंबर्स का होता है, ठीक है। यहाँ पर 100 मार्क्स होंगे, आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे और इस तरह से आप देख सकते हैं सेकंड पेपर जनरल नॉलेज का होना चाहिए होगा, जहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे 1 आवर के, यानी कि कुल मिलाकर 250 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है अगर ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन वही फार्मा में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और तमाम माइक्रोबायोलॉजी और उसके अलावा तमाम और हैं तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए बात अगर डिटेल सिलेबस की करें तो क्वेश्चंस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन मेडिकल लाइक केमिस्ट्री फॉरेंसिक फार्मेसी फार्मोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग तमाम इस तरह की जो रहती हैं। पहला पेपर यानी पूरी फार्मेसी इंडस्ट्री से होता है। दूसरा आपका जो जनरल स्टडीज होता है जहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट सोशल इकोनॉमिक्स यहाँ पर टोटल और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाती हैं यानी कि फार्मेसी और जनरल नॉलेज में। तो इस तरह का ये पूरा पेपर होने वाला है। बाकी डिटेल सिलेबस और तमाम नोटिफिकेशन का कल हमें इंतज़ार है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।